हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिवाली में मिठाई और तला भुना खा खा के बोर हो गए हैं और आपको कुछ हेल्दी और चटपटा खाने का मन है तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने ले लिया है भिगोए हुए पोहे। पोहा को हमने 2-3 पानी से निकाल के अच्छे से वॉश कर लिया था और पानी निचोड़ के ले लिया है। और थोड़े से खीरे बारीक कटे हुए, और ये चने की दाल को हमने 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था और उसका भी पानी निकाल के ले लिया है। और यहाँ पे हमने लिया हरे धनिये की पत्ती और हरी मिर्ची और ये थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा सादा नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा काला नमक। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आज के मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बाउल और उसमें डालते हैं हम अपने खीरा। अब हम ऐड कर देंगे अपने भिगोए हुए चने की दाल। अब हम डाल देंगे नींबू का रस, हरी मिर्ची, मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, और हरे धनिये की पत्ती, थोड़ा सा काला नमक, और थोड़ा सादा नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने भिगोए हुए पोहे। सबको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा पोहा हम और ऐड कर देंगे। और ये सोक किए हुए पोहे भी कुछ ख़राब होने वाले नहीं हैं, आप इसको फ्रिज में रख के 1-2 घंटा बाद भी बना सकते हैं या दूसरे दिन भी बना सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हम लोग का सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी रेसिपी पोहे की रेडी है। और अब हम थोड़े से अनार के दाने से इसके गार्निशिंग कर देंगे। ये बहुत ही हेल्दी, और अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो ये तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरी ये आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।